अभी सब्सक्राइब कीजिए माई टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आप तक पहुंचा सकें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के डेबिट कार्ड को लेकर। अभी तक हमने अपने पेटीएम एप्लीकेशन में केवल वर्चुअल डेबिट कार्ड को क्रिएट किया था, लेकिन फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं कि हम अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड को अपने घर पे मंगा सकते हैं, वो भी फिजिकली। उसके बाद हम चाहें तो उस डेबिट कार्ड से कहीं से भी किसी भी एटीएम से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि किस तरह से हम पेटीएम के डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने अपने पेटीएम में अपना बैंक अकाउंट क्रिएट किया हुआ होगा और उसके साथ ही डेबिट कार्ड को भी क्रिएट किया हुआ होगा। अगर आपने अभी तक अपने पेटीएम में केवाईसी नहीं किया, अपना बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका भी आपको प्रोसीजर बता दूंगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में आपको केवल यही बताने वाला हूं कि अब हम अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड को फिजिकली अपने घर पे मंगा सकते हैं। तो इसको किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपली यहां पर आपको बैंक पे क्लिक करना होगा और बैंक पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें हमारा डेबिट कार्ड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही अपने डेबिट कार्ड को क्रिएट कर लिया था, यहाँ पे जनरेट कर लिया था। तो चलिए यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट एंड सर्विसेज में एक ऑप्शन मिलता है डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड, और ये न्यू है क्योंकि फ्रेंड्स सबसे कुछ दिन पहले यहाँ पर हमें ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था। तो चलिए यहाँ पर डेबिट एंड एटीएम कार्ड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम चाहें तो हमारा जो डेबिट कार्ड अगर हम ले चुके हों से तो हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो रिक्वेस्ट कार्ड भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कार्ड पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें न्यू डेबिट कार्ड को अप्लाई करना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सिलेक्ट डिलीवरी एड्रेस का भी ऑप्शन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपने जब अपना बैंक अकाउंट क्रिएट किया हुआ, अपना आधार कार्ड इससे लिंक किया होगा, अपना केवाईसी किया होगा, तो आपका एड्रेस वही यहाँ पर पेटीएम में एड हो चुका होगा। लेकिन फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर अपना न्यू एड्रेस भी एड कर सकते हैं, उसके बाद आप उसी एड्रेस पे इस एटीएम कार्ड को रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पेटीएम डेबिट कार्ड के लिए यहां पर हमसे चार्ज होंगे 120 रुपीज। तो अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं अपने घर पे तो आपको 120 रुपये पे करने होंगे। इसको आपको किस तरह से पे करना है वो आप जानते ही हैं, पेटीएम चलाते हो तो पेटीएम से ही आपका बैलेंस जो है वो कट जाएगा, या फिर आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली ये पैसा कट जाएगा। तो फिलहाल मैं इस पेटीएम कार्ड को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी एटीएम कार्ड हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर इस पेटीएम कार्ड को अप्लाई करना है तो प्रोसेस टू पे पे क्लिक करिए, यहां से आपके 120 रुपीस आपके अकाउंट से कट जाएंगे और इसके बाद आपका एटीएम डेबिट कार्ड आपके घर पे पहुंच जाएगा 1 to 2 वीक में। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।